की करते हैं, जहां वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक और खुशखबरी है। बाघों के बाद अब राज्य में हाथियों का भी कुनबा पड़ रहा है। राज्य में जल जंगल जमीन अब वन्य जीवों के लिए संरक्षित बनाई जा रही है। पिछले दो सालों में राज्य के जंगलों में 78 हाथी बढ़े हैं। 2015 में राज्य में कुल 1,797 हाथी थे, जो कि अब बढ़कर 875 हो चुके हैं। इसके अलावा पूरे देश में 27,312 हाथियों की संख्या है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के विभिन्न टाइगर रिजर्व में इस साल 63 बाघों की बढ़त देखी गई है। इससे राज्य में सैलानियों की तादाद भी बढ़ गई है, और अगर बाघों की बात की जाए तो यह तादाद 242 हो गई है। बाघों के संरक्षण में उत्तराखंड की ओर से शानदार काम किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम सभी के सामने है। साथ ही क्षेत्रफल के अनुपात में बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड देश का नंबर एक राज्य है। बाघ प्रेमियों के लिए यह खुशखबरी है और सैलानियों के लिए अच्छी खबर। देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से तो बड़ा अच्छा है कि भाई इसमें इनकी संख्या बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और खुशी की बात है कि इन हमारे वन क्षेत्रों में जो है, चाहे जंगल का राजा हो या हाथी हैं, ये लोग ये बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे संकेत है।